वेलकम दोस्तों, और हमारे YouTube चैनल हर्बल मज़ा में आप लोगों का दिल से एक बार फिर इस्तकबाल है। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत आसान और बहुत आसानी के साथ घर पर बनाए जाने वाला तेल, जो कि आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। और इस तेल को यूज़ करके आप अपनी लिंग की मनचाही लंबाई और मोटाई बढ़ा सकते हैं। और ये जो हमने तेल बनाया है, ये सब आप लोगों के कमेंट्स करने की वजह से, आपकी डिमांड पर हमने बनाया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में कहा कि सर, आप कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत आसान तेल आप बना के दीजिए। तो ये तेल हमने बनाया है लीच और ऑलिव ऑयल से। इसमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स हैं। इन दो इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हम इस ऑयल को बनाएंगे, लीच और ऑलिव ऑयल। तो दोस्तों, बनाने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारा ये YouTube चैनल हर्बल मज़ा सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और ये जो रेड कलर का बटन नीचे है, इससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो बेल का बटन है, आप बेल के बटन पर क्लिक करके आप जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, अपडेट्स हैं हमारी, आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल। ये बहुत ही स्पेशल ऑलिव ऑयल, हमारी जो यानी जितनी प्रिपरेशंस हैं उनमें हम ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये बेस है इस ऑयल को बनाने के लिए। और ये लीच, जिसको आपको मैं शो कर रहा हूँ, ये लीच है, सूखी हुई लीच। इसको हम इंग्लिश में लीच कहते हैं, और इसको हम हिंदी में जोंक भी कहते हैं। आप इसको चाहें तो अपने घर पर, अगर अवेलेबल हो तो उसको सुखा कर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके घर पर अवेलेबल नहीं है तो आप ये मार्केट से बहुत आसानी से परचेज कर सकते हैं। इसको, ये जो लीच है, इस लीच को ऑयल हमको बनाना है इस ऑलिव ऑयल में मिक्स करने के बाद। तो दोस्तों, उन लोगों को बहुत ही खुशी की बात है जो लोग सोचते हैं कि हमारा पीनिस साइज 3 इंच है, 4 इंच है, तो इस ऑयल को यूज़ करने के बाद अपने आप पीनिस के साइज को 2 से 3 सेंटीमीटर बहुत आसानी के साथ यूज़ सकते हैं आप पीनिस के साइज़ को बहुत आसानी से। तो चलिए मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। ये वाटर हमारे पास है तकरीबन 1 लीटर, और ये 50 ग्राम लीच हमारे पास है। इस 50 ग्राम लीच को हम इस 1 लीटर पानी के अंदर डुबो कर रख देते हैं। ये अच्छी तरह हमें भिगो लेने हैं पानी के अंदर। 1 लीटर पानी के अंदर 50 ग्राम लीच, सूखी हुई लीच को हम डाल देंगे, और इसको हम ढक कर रख देंगे कम से कम 6 आवर्स के लिए। ये देखिए भीग गई है, और इसको हम 6 घंटे के लिए हम आसानी से भिगो कर रखेंगे, और 6 घंटे के बाद हम इसको ओपन करते हैं। तो ये 6 घंटे हो गए हैं। अब 6 घंटे के बाद आप इसको देख सकते हैं कि लीच जो है बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे जिंदा लीच हो, लेकिन एक्चुअली ये जिंदा नहीं है, मर चुकी है। और लीच में दोस्तों, इसके अंदर जो एंजाइम होता है लीच के अंदर, हीरियोडो मेडिसिनेलिस, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये हमने पॉट रख लिया है, गरम कर लिया है, और ये ऑयल है फिगेरो कंपनी का है, ऑलिव ऑयल, और ये 500 ml यानी आधा लीटर के करीब ये है। और इसको हम पॉट के अंदर डाल लेते हैं। पॉट के अंदर सारा हमें ऑलिव ऑयल निकाल लेना है। ऑलिव ऑयल में भी, क्योंकि फैटी एसिड्स होते हैं, और फिगेरो कंपनी का बहुत अच्छा ऑलिव ऑयल होता है, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को इसी के लिए सजेस्ट करता हूं, तो आप लोगों को भी यही सजेस्ट किया है कि आप इसी कंपनी के ऑयल में बनाएंगे। और ये हमारी 6 घंटे तक भीगी हुई लीच है, जोक है, जो कि अच्छी तरह से पानी के अंदर मिल चुकी है। अब इसको हम इसमें डाल देना है। ये हमने डाल दिया अच्छी तरह से, ये जो हमने लीच का जो हमने एक्सट्रैक्ट ऑयल हमने डाला है, तो इसको हमें ऑयल को गर्म होने से पहले साथ में मिक्स कर देना है। ये हमने इसमें मिक्स कर दिया है, और बस इसको हम लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे। अब लो फ्लेम पर चलने के बाद आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा झाग आ गए हैं, अब ये उबलना शुरू हो गया है। और रेगुलर हम इसको लो फ्लेम पर उबालते रहेंगे। ज़्यादातर पानी उड़ चुका है, थोड़ा सा पानी बाकी रह गया है, और अब तकरीबन सारा पानी उड़ चुका है, कुछ बुलबुले बाकी हैं। अब ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है ऑयल बनकर। आप देख सकते हैं कि इसमें बुलबुले उठने बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो अब ये हमारा ऑयल बिल्कुल तैयार है। अब इसको हमें छान लेना है। तो छानने के लिए हमें इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे पास एक छलनी है, इस छलनी को, और ये बाउल है।
अब इस कॉटन को हम इस छलनी के ऊपर रख देते हैं और अच्छी तरह हम इसको कवर कर लेंगे। इस बाउल के ऊपर हम छलनी को रखेंगे और जो हमारा तेल है उसे ठंडा करने के बाद हम इसको छान लेंगे। आप इसे देख सकते हैं कि जो जोक थी वो नीचे चिपकी हुई है और इसका ऑयल जो बना है ये आ गया है। अब इसको हम बहुत धीरे धीरे करके हम इसको ऑयल को छान लेते हैं। ये देखिए बहुत आसानी के साथ ऑयल को छान सकते हैं और बिल्कुल फिल्टर हो जाता है। जब हम किसी कॉटन के थ्रू अगर हम किसी ऑयल को छानते हैं तो पूरी तरीके से फिल्टर हो जाता है। ये फिल्टर हो गया और हो रहा है धीरे धीरे। आप देख सकते हैं कि जो इसके अंदर जो हमें छानने का था वो छन चुका है और इसके अंदर जो जोक थी वो ऊपर आ गई है। और क्योंकि ऑयल जो है इसके अंदर भी लगा हुआ है कॉटन के अंदर, तो हम इसको अच्छे से हाथ से निचोड़ लेते हैं तो ये भी तेल हमारा इसमें निकल आएगा। ये हमने हाथों के जरिए से इसको अच्छी से निचोड़ लिया है। तो दोस्तों ये हमारा ऑयल तैयार है। ये लीच ऑयल है और ऑलिव ऑयल। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे दोस्तों, यूज करने का मेथड मैंने पिछली वीडियोस में बहुत बताया है। आप इसको यूज करें डेली कम से कम 2 बार इसको यूज करना है और आप इसको यूज करेंगे तो कम से कम 2 से 3 इंच तक आपका पीनिस का साइज इंक्रीज हो जाएगा और कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर आप इस अपने पीनिस की गिर्थ को बढ़ा सकते हैं। वो बहुत हैरत अंगेज नुस्खा है और बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जिन्होंने इसको बनाया और बना बनाया हमारे से भी लिया। कुछ लोग मेरे से कमेंट करके कहते हैं कि सर जो आप नुस्खे अपलोड करते हैं हम लोगों को ये इंग्रेडिएंट्स मिलते नहीं हैं, या कुछ लोग बिजी होते हैं या कुछ लोग चाहते हैं कि आप हमारे से बना हुआ परचेज करें। तो हम लोग आपकी ही डिमांड पर हम लोगों ने ये भी शुरू किया है कि अगर आप चाहें तो ये लीच ऑयल हमारे से भी ले सकते हैं और आप हमारे से पर्सनल डिस्कस अगर करना चाहें अपनी प्रॉब्लम को लेके, तो आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम, तो आप उससे आप हमारे से इसके लिए डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा अगर व्हाट्सएप नंबर चाहें तो व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और अगर आपको ये लीच ऑयल परचेज करना है तो आप व्हाट्सएप पर मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। आपके लिए आपका कमेंट, आपका ऑर्डर और आपका वीडियो का लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ये सब बहुत अप्रिशिएबल है मेरे लिए और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए शुक्रिया और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।